तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आ गया हूँ मैं एक और वीडियो के साथ वापस। तो देखो, मैं काफ़ी दिन से इनएक्टिव था, तो उसके लिए सॉरी भाई, मैं अपने गांव चला गया था, इसका रीज़न यही था। तो मैं अपने गांव चला गया था, वहां से मैं वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर, तो अभी लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो देखो, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कि आप किसी भी एलईडी टीवी में, चाहे वो सैमसंग का हो, रियलमी का हो, एमआई का हो, किसी भी ब्रांड का हो, आप उसमें कैसे कीबोर्ड और माउस यूज़ कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो काफ़ी इजी रहने वाला है ये पूरा, स्टेप बाय स्टेप आप देखना तो काफ़ी ईजी रहेगा वीडियो भी। तो ये देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे एक इंटेक्स का एलईडी है, जो कि स्मार्ट एलईडी है, टीवी है, स्मार्ट एलईडी ही कह सकते हो, तो स्मार्ट एलईडी ये देख सकते हो आप लोग। तो इसमें मैं अभी आपको माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करके दिखाऊंगा, सेम आपको पीसी की तरह आपको फील आएगा चलाने में भाई साहब, एकदम कंप्यूटर की तरह फील आएगा आपको। बिकॉज़ कि ये एलईडी थोड़ा पुराना हो चुका है, ये 2018 का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 2018 का मॉडल है ये। तो यहाँ पे जो इसमें अब यूट्यूब वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहा है अच्छे से, तो यूट्यूब का जो ओरिजिनल एपीके होता है, यानी ऐप होता है, वो अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो इस कारण मैंने इसमें क्रोम के थ्रू से यूट्यूब ऑन करता हूँ मैं, मतलब क्रोम के थ्रू यूट्यूब चलाता हूँ। तो आप लोगों ने भी कभी न कभी फ़ोन में चलाया होगा क्रोम से यूट्यूब, या फिर आप लोगों ने पीसी अगर चलाया हो तो आपको पता ही होगा कि उसमें भी क्रोम से यूट्यूब खुलता है, या फिर क्रोम या फिर ब्रेव ब्राउज़र, यही सब ब्राउज़र से यूट्यूब खुलता है। तो इसमें भी मैं ब्राउज़र से ही आपको यूट्यूब खोल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे इसमें अलग से क्रोम डाउनलोड किया है, मतलब क्रोम डाउनलोड करके पेन ड्राइव में मैंने लिया है पीसी से अपने, उसके बाद इसमें मैंने उसे इंस्टॉल किया है क्रोम को। तो आपको इसी के वर्जन का करना पड़ेगा, ये 4.4.2 वर्जन है। एंड आपका भी जैसा ही एंड्रॉयड वर्जन होगा, जिस टाइप का आपका एंड्रॉयड वर्जन होगा, आपको उसी एंड्रॉयड वर्जन का भी आपको एपीके सब इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके वो इसमें सपोर्ट कर पाएगा। एंड यहाँ पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे मेरा रिमोट इससे कनेक्ट है, मतलब रिमोट तो ऑलरेडी कनेक्ट ही होता है, मैं आपको बस दिखा दिया। तो यहाँ देख सकते हो, अभी ये रिमोट से नॉर्मली चलता है। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा माउस एंड कीबोर्ड से चला के। अभी आप देख सकते हो ऊपर वाईफाई भी कनेक्ट हो चुका है, मतलब कनेक्ट है, मैंने पहले से कर लिया है। एंड आप यहाँ पे थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशन सब देख लो, कौन सा वर्जन है एंड्रॉयड, कितना स्पेस में दिया गया है, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा। और अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए इस एलईडी टीवी पे, तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं ले आऊँगा अलग से इसके लिए प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वाईफाई भी कनेक्ट है। एंड उसके बाद मैं आपको पहले रिमोट से आपको एक बार यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने क्रोम को खोला, एंड उसके बाद क्रोम में मेरा पहले से यूट्यूब खुला हुआ था, देख सकते हो यहाँ पे मेरा दो साइट खुला हुआ है, एक स्पीड टेस्ट का खुला हुआ है, एक यूट्यूब का। तो YouTube पे मैंने पहले से, मतलब पहले से मैंने चला के लगा था, लॉगिन करके रखा था, तो इसलिए YouTube मेरा डायरेक्ट खुल चुका है, यहाँ पे होम पेज देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे YouTube खुल चुका है, बट यहाँ से अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जो बटन प्रेस कर रहा हूँ ऊपर नीचे वाला, सिर्फ ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पे आपको मतलब क्लिक नहीं कर सकते हो आप जल्दी। तो यहाँ पे आपको एक माउस का बटन दिया गया है, ये थोड़ा सा आपको हेल्प करता है। तो आप जैसे ही माउस के बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका एक माउस आ जाएगा स्क्रीन पे, देख सकते हो यहाँ मैंने क्लिक किया एंड स्क्रीन पे माउस का बटन आ चुका है, देख सकते हो आप बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे आपका माउस का बटन आ जाएगा एक, एंड उसके बाद आप इसे कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड फिर भी इसमें भी दिक्कत है, आप फिर अगर आपको ये होम इसका जो स्क्रीन है वो आपको नीचे करना है, यानी और वीडियोस आपको देखने हैं, तो वो फिर आप नहीं देख पाओगे, फिर आपको माउस का बटन ऑफ करना पड़ेगा, फिर आप अगर ऊपर नीचे वाला बटन दाबोगे तो जाके ये नीचे ऊपर होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिग प्रॉब्लम है इसमें। एंड इसी का सॉल्यूशन है कीबोर्ड एंड माउस, तो वो हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है आपको चलाने में, एकदम पीसी की तरह आप यूज़ कर सकते हो उसे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड चलाने में। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एक बार म्यूज़िक चला के सुनाता हूँ, मतलब कि कोई भी वीडियो, जैसे यहाँ पे मैंने सिद्धू मूसेवाला का एक सॉन्ग चलाया है, तो वीडियो नहीं है ये, बस सॉन्ग वाला लिरिक्स देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा साउंड एक बार सुना दूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली चलता हूँ मेन टॉपिक पे इसके। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने पहले से कीबोर्ड एंड माउस इसमें लगा हुआ है पीसी में, तो इसको खोलते हैं एंड लगाते हैं अपने इसमें एलईडी में। तो आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस एलईडी के पीछे में आपको यहाँ पे पोर्ट्स मिलेंगे दो, या मतलब अलग अलग एलईडी में अलग अलग पोर्ट्स रहते हैं, किसी में एक किसी में दो, तो मेरे में तो दो दिए हुए हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से मेरे में पोर्ट्स हैं, दो USB है, एक मेमोरी कार्ड है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है गोल गोल वाला, उसमें क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, अभी नाम इसका याद नहीं है। ये आपको अक्सर जो है इसमें सेटर बॉक्स में लगने के लिए काम आते हैं, एंड वगैरह वगैरह में काम आते हैं, तो इसे इग्नोर करते हैं एंड अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बस इसी USB में आपको दोनों लगा देना है, एंड एक कीबोर्ड का एक माउस का,
तो आपको बस इसमें लगाना है, देख सकते हो मैं अभी लगा लेता हूँ आपके सामने। मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, नहीं तो आप बोलोगे भाई कुछ झोल झाल किए हो, तो वीडियो कट नहीं करता, आपके सामने वीडियो ऑन रहेगा। एंड देख सकते हो पहले मैंने एक लगा लिया, अब दूसरे भी लगा लेते हैं एंड देखते हैं अब स्क्रीन पे हमारा माउस एंड कीबोर्ड काम आता है या नहीं, मतलब कि शो करता है या नहीं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है हमारा माउस में लाइट आ चुका है देख सकते हो आप, एंड यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, काम कर रहा है। तो देख सकते हो आप एकदम नॉर्मली है, बस जैसे आप देख लो मैं माउस हाथ से जैसे जैसे हिला रहा हूँ वैसे ही काम कर रहा है। स्क्रॉल कर रहा हूँ देख सकते हो स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे कोई चीटिंग वीटिंग नहीं, आपके सामने मैंने वीडियो दिखाया आपको, कट भी नहीं किया वीडियो। एंड आपको कीबोर्ड भी मैं दिखाऊंगा पूरा वीडियो में, बने रहो, कीबोर्ड भी मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा से स्मूथली यूज़ होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको, एरर कोई देखने को नहीं मिलेगा एकदम। देख सकते हो काफ़ी सिंपल सा स्टेप था, कितना ईजी, तो बस यही था स्टेप। एंड देखो अभी अच्छे से मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे अब अपने एक सुमित गोस्वामी के एक गाना लगाते हैं एंड उसको अभी देखेंगे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब चलाएंगे तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे गाना ऑन हो चुका है एंड उसके बाद देखो आपको बस यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेना है, यहाँ पे नीचे हम देख सकते हो आप फुल स्क्रीन का ऑप्शन है एंड बस आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। एंड ये कुछ ग्लिच हो गया था तो उसके लिए सॉरी, नेट के कारण हुआ था। एंड उसके बाद आपको फुल स्क्रीन करना है एंड उसके बाद बस आपको अगर आवाज़ बढ़ाना है, साउंड बढ़ाना है घटाना है तो आपको रिमोट से करना पड़ेगा, क्योंकि रिमोट में फंक्शन दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है। एंड यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं मिलता है क्रोम पे। एंड भाई आप यहाँ पे आराम से मज़े उठाओ, फुल मज़े करो एंड गाने वाने सुनो पूरे, एंड YTXZ के वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो एंड ज़्यादा मतलब शेयर वेयर करो, पूरा ठोक ठाक दो। एंड अब आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पे जाइए यानी क्या चीज़ पे जाइए वीडियो अगला वीडियो, एंड मैं उससे पहले आपको एक बार कीवर्ड यूज़ करके दिखाता हूँ। एंड आप लोग माउस से बैक बैक कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैक वाला बटन दबा, माउस में आपको दिया जाता है दो अलग से बटन, तो मैंने बैक वाला बटन दबा, देख सकते हो एक बैक हो चुका है एंड फिर आपको बैक वाला बटन दबाना है, फिर बैक 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 करते करते आप पूरा बैक आ सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे होम पेज था एंड क्रोम भी बंद हो चुका है एंड पूरे होम पेज पे आ चुके हैं हम। एंड आप लोग माउस से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो इस प्रकार से आप माउस से भी, मतलब इस टाइप से आप माउस से भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड उसका देख सकते हो यहाँ पे आप कीबोर्ड से, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देख सकते हो मैंने कीबोर्ड पे जैसे जैसे मैं प्रेस करता हूँ वैसे वैसे बटन के हिसाब से ये मतलब काम करता है, इंटर दबोगे तो वो ओके हो जाएगा एक तरह से। एंड आप माउस से भी देख सकते हो इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो, देन आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, जैसे देख सकते हो आप मैंने आपको सेटिंग भी खोल के दिखा दिया है, देख इस टाइप से माउस से कंट्रोल होता है एंड कीबोर्ड से मैंने आपको दिखाई दिया। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई लोग एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो आगे आप लोग गाना सुनो, मैंने गाना चलाया LED पे तो आप लोग थोड़ा गाना सुन लेना एंड मजे करो। एंड हाँ सबसे बड़ी बात, आप इसमें कीबोर्ड से टाइप वगैरह भी कर सकते हो, गूगल पे क्रोम पे या यूट्यूब पे टाइप वाइप कर सकते हो आराम से। बाय बाय। Oh,
जंग के मैदान में कदे ना हारते।